प्रणाम। हाय उशामुद्दीन, मैं तो अदर आप सबके बिल। वेलकम टू सत्या बायोलॉजी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं, इस पिक्चर का नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ दोस्तों, बाकी पिक्चर हाउसफुल 1, हाउसफुल 2 और हाउसफुल 3 काफी सक्सेसफुल रहा है और बाकी पिक्चर काफी अच्छे कॉमेडी और काफी अच्छा एंटरटेनमेंट, काफी अच्छे गाने और काफी अच्छे एक्टर्स जितने भी इस पिक्चर में एक्टिंग कर चुके हैं काफी अच्छे एक्टिंग किए हैं और पिक्चर बाकी सुपर डुपर रहा है। अभी इस दिवाली के लिए हम सबके लिए हाउसफुल 4 रिलीज किया गया है। बाकी इस पिक्चर भी काफी अच्छा थोड़ा कॉमेडी है। दरअसल पिक्चर थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है 600 साल पुराने यानी 1419 में राजा महाराजाओं के जमाने में जाता है। दरअसल इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं हमारे अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल और इस पिक्चर में हीरोइन के रोल कर रहे हैं कीर्ति गरबंदा और कीर्ति सोनम और तीसरी हीरोइन है पूजा हेगड़े। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, एकदम कॉमेडी है और दरअसल पिक्चर ऐसा है कि इसमें जो हमारे हीरो जो है उनको थोड़ा मेमोरी लॉस होता है, जो अक्षय कुमार वो एक काफी बड़ा एक बार शॉप चलाते हैं और ये जो तीनों जो हमारे अक्षय कुमार और रितेश देशमुख और बॉबी देओल तीनों मिलकर तय करते हैं कि हम सबसे अमीर लड़कियों से शादी करेंगे ताकि हमारा कर्ज चुक जाएगा, हम अपने कर्ज से आजाद हो जाएंगे और अपनी आलीशान जिंदगी जी पाएंगे। सो ये तीनों मिलकर तीन लड़कियों से प्यार करते हैं, जो हमारे जो तीन हीरोइन है उनसे प्यार करते हैं और हमारे अक्षय कुमार को थोड़ा मेमोरी लॉस होता है बार बार, तो उस मेमोरी लॉस के कारण उन्हें काफी पुरानी यादें वापस आ जाते हैं जो 600 साल पुराने जो राजा महाराजाओं के जमाने के, तो सब याद दिलाते हैं, एक एक करके याद दिलाते हैं। जिस तरह हमारे बॉबी देओल जो है काफी बड़े राजा रह चुके हैं पिछले जन्म में 600 साल पुराने और हमारे जो रितेश देशमुख जो है एक डांस मास्टर रह चुके हैं राजा महाराजाओं के जमाने में। इस तरह पिक्चर चलता है, थोड़ा कॉमेडी रहता है और काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, गाने भी काफी अच्छे हैं, बाकी काफी अच्छा कॉमेडी है। बस सबसे बड़े कॉमेडी इसमें करने लायक जो है एक्टिंग के तौर में आप देखने जाएंगे एक्टिंग कॉमेडी तो हमारे रितेश देशमुख और अक्षय कुमार पे ही निर्भर है कॉमेडी और एक्टिंग के तौर पर। बाकी ये पिक्चर काफी अच्छा है। इस पिक्चर में हमारे सपोर्टिंग एक्टर्स लगे जंगी पांडे और जॉनी लीवर और रंजीत जो पुराने एक्टर जो है इस पिक्चर में काफी अच्छी एक्टिंग की है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है और हमारे जो रघुपति रघुत जो काफी अच्छे एक्टर है इस पिक्चर में विलन के रोल किए हैं जो 600 साल पुराने राजा महाराजाओं के जमाने में। बाकी पिक्चर अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, बाकी मेरे को पिक्चर अच्छा लगा, मैं अपने परिवार के साथ जाके देखा, आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी जाके देखिएगा थिएटर में परिवार के साथ इस दिवाली के। और आप सबको मेरी तरफ से मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में परिवार का अपना परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। टिल देन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।